तो जी अंकल जी मुझे रास्ते में मिले, जैसे कि मैं बोलता हूँ सोलो ट्रिप करते हैं, सफ़र में कोई ना कोई नया बंदा मिलता रहता है और कारवा बंदा चले जाता है। एक मिनट मैं अपना बैग ना लाउंज एरिया में भूल गया हूँ, तो मैं लाउंज एरिया से पहले बैग लेके आऊँ अपना। हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक होएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने 1.5 लाख व्यूज़ कर दिए वैष्णो देवी वाले एपिसोड पर मेरे, तो दिल से आभारी हूँ मैं आपका, थैंक यू सो मच। तो आपने डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ उज्जैन, जो कि मेरा सफ़र होने वाला है 10 घंटे 30 मिनट का। और सारी जो है इन्फॉर्मेशन वो मैं बताऊंगा आपको प्लेटफॉर्म पे जाके। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है सबवे, अगर आपको दिख रहा है तो मेरे पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि मैं पहले वहाँ से नीचे से जाता था, वहाँ से नीचे से जाता था और अंदर चले जाता था, और अब मुझे लग रहा है कि सबवे के कनेक्ट होने की वजह से अब मैं अंदर से ही प्लेटफॉर्म के अंदर चले जाऊँगा। तो चलाओ देखते हैं और सबवे का एक्सपीरियंस लेते हैं। चलिए एक रिव्यू देना चाहूँगा ये सबवे के बारे में कि ये सबवे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी सारा जो ट्रैफिक होता था यहाँ पे वो पूरा कंट्रोल कर लिया है नीचे की साइड से। जब हम जाते थे तो काफ़ी सारा ट्रैफिक होता था, तो रोड पार करना, क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था, पर इस सबवे के थ्रू सब कुछ इतना अच्छा हो गया, कनेक्टिविटी इतनी बड़ी हो गई। मेट्रो ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, या फूड फैसिलिटीज़ हो गई, सब कुछ A to Z इसने कनेक्ट कर दिया है और काफ़ी बढ़िया है ये सबवे। इसको मिलते हैं पूरे 10 पॉइंट्स और काफ़ी ज़्यादा हाइजीन है। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं पहुँच गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और 1 और 2 ही मेरा मैक्सिमम पाला पड़ता है इन दोनों में ही। जब मैं आगरा जाता था तो मैं गया था वो 2 से जाता है शताब्दी से, और 1 से मैं चंडीगढ़ जब रहता था तो दिल्ली आता था तो मैं 1 पे ही उतरता था, तो मैक्सिमम मेरा यहीं पे पाला पड़ता है जो है 1 या 2 ही होता है मैक्सिमम। और अगर मैं ट्रेन, ये वाली ट्रेन का आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ये है जाने वाली है उज्जैन, दिल्ली से उज्जैन जाने की ट्रेन है ये, कुछ एक्सप्रेस है, नाम मुझे पता नहीं है इसका, क्योंकि वहाँ पे लिखा था NDL to Ujjain Express, बस यही लिखा था नाम, तो मुझे नाम इस ट्रेन का पता नहीं है। एंड अगर हम बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो 10 घंटे 30 मिनट दिखा रही है ट्रेन, और ट्रेन का जो पूरा एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसी लगी मुझे ट्रेन, और प्राइस आपको मेंशन हो रहे हैं। इस बार मैं जा रहा हूँ 3rd AC से। और अगर आप बोलो कि इस ट्रेन के जो रास्ते में कितने स्टेशन आएंगे, वो सब आपको लिखा आ जाए कितने स्टेशन आएंगे और कौन कौन से स्टेशन आएंगे इस वाले ट्रेन के लिए। और हाँ, और अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करो 1 नंबर की, तो यार ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर था और ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया प्लेटफॉर्म नंबर 1, देखो चारों ओर। और अगर आपको बैकग्राउंड आर्टिस्ट ये वॉइस आ रही हो तो थोड़ा इग्नोर करो यार, और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब मैं आपको दिखाऊंगा मस्त कंटेंट। एंड अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया हो तो ये मेरा होने वाला है सोलो ट्रिप, चलो सुपर एक्साइटेड हूँ मैं भी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का लाउंज एरिया। लाउंज एरिया होता है, अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाए तो आप लाउंज एरिया में जाके आराम से रेस्ट कर सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। इस लाउंज एरिया की फी है 10 रुपये प्रति घंटा। और सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों वैसे तो ट्रेन को आने में 20 मिनट ही रह गए हैं, बट मैंने सोचा कि आपको लाउंज अंदर दिखाने के लिए मैं टिकट ले लेता हूं और आपको लाउंज अच्छी तरह दिखा देता हूं। वहां पे तो बॉक्स भी है बैग रखने के लिए, और लाउंज जो है काफ़ी हाइजीन है और शांति है काफ़ी ज़्यादा यहां पे, तो सही है ये भी। अगर आपको वेट करना हो यहां पे आके कर सकते हो आप आराम से, AC वगैरह सब कुछ है यहां पे। और जो लाउंज एरिया के अंदर कैफेटेरिया होता है उसके प्राइस मैं डाल देता हूँ, एपिसोड पॉज करके प्राइस देख लेना। और जो अदर कंपनी की चीज़ें होती हैं वो आपको MRP पे ही मिल जाएंगी, और आपको काफ़ी कुछ चॉइस मिल जाएगी खाने पीने को लाउंज एरिया के अंदर। तो 5 मिनट्स रह गए हैं बस ट्रेन आने में, तो अब हम चलते हैं ट्रेन देखने और फिर मैं दिखाता हूँ अंदर की चीज़ें। चलिए मैं लाउंज एरिया से बाहर आ चुका हूँ, और अगर बात करें वाईफाई की सुविधा की तो हर जगह वाईफाई अवेलेबल है, और जो मेरा मतलब जहाँ मैं जा रहा हूँ उसमें कम से कम उस रूट पे 5-6 स्टेशनों पे तो वाईफाई है ही। ट्रेन आ चुकी है, बस ट्रेन में जाके बैठता हूँ और फिर आपको अंदर का दिखाऊंगा। एक मिनट मैं अपना बैग ना लाउंज एरिया में भूल गया हूँ, तो मैं लाउंज एरिया से पहले बैग लेके आऊँ अपना। ट्रेन छोड़ते छोड़ते बचिए, मैं पहले पता क्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था जो मुझे ऐप में दिखा रहा था, वो मैंने पूछा खुली भैया से, उन्होंने बोला 4 नंबर पे आएगी, फिर मैं उतरा नीचे तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आया भाग के, तो पता चला वो तो 3 है 4 नहीं है, फिर भाग के आया ट्रेन जा रही थी एकदम से, वो मेरे हाथ पकड़ा TT सर का,
उन्होंने इधर साथ दिया और मैं चढ़ गया। अभी पता नहीं मैं कौन से कोच में हूँ, अभी मैं अपने कोच में जाऊँगा वापस। ओह सांस ले लूँ, सामने हाँ फाइनली हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल की नगरी। और हाँ थोड़ी सांस ले लिया, बता देता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आती है। पहले तो बैग भूल गया था, बैग भाग के लेके आया, फिर जाने उसके बाद 1 से भाग के 3, 3 से भाग के 4, क्योंकि मुझे लगा था 3 वाला जो वो 4 नंबर की, 3 और 4 ने एक सब मिक्सअप किया हुआ है। तो फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर चलते चलते ट्रेन में भागों में जैसे तैसे फाइनली। और बैग भी ले लिया है, सबसे पहले चेक किया कि गोप्रो वगैरह है या नहीं, सब सब है इसके अंदर। अभी तो मैं सेकेंड AC और फर्स्ट AC से ट्रैवल करते हुए जा रहा हूँ, AC 3 टायर में चल रहे हैं, छोटा छोटा करके स्टेप, 3 डब्बे बाद है। चलो जी। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ 3rd AC में, और 3rd AC सही में यार फुल है इस बार तो। जैसे कि मैक्सिमम जब मैं ट्रेन में जाता हूँ सफ़र करता हूँ तो खाली होती है ट्रेन, पर पूरी फुल है ट्रेन। और मेरी सीट है यहाँ की नीचे की और ऊपर भी फुली है, और यहाँ पे स्विच बोर्ड है जो कि अच्छी चीज़ है। और अच्छा, कोविड की वजह से जो सुविधाएँ बंद हो गई थी अब वापस चालू हो गई है। जैसे कि ब्लैंकेट मिला है और एक चद्दर भी है इसमें, और कर्टन्स भी लग चुकी हैं जो कि अच्छी चीज़ है। और स्विच बोर्ड तो मैंने आपको पीछे दिखाई दिया था। तो चलिए 10 घंटे 30 मिनट का सफ़र है, देखते हैं क्या होता है। और जो ट्रेन थी वो ऑन टाइम ही थी, क्योंकि मैंने तो ऑन टाइम पे भाग भाग के पकड़ी है ट्रेन। तो ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है जाने का अच्छा है, अब देखते हैं पहुंच के कैसा एक्सपीरियंस रहता है ट्रेन का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम उज्जैन से एक जो पहले स्टेशन है वहाँ पर हैं हम, और जो कितनी अच्छी सनराइज हो रहा है ऊपर की साइड। वेट कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, जो ट्रेन है वो ऑन टाइम ही दिखा रहा है अब तो फिलहाल, तो जल्दी पहुँचेंगे। इसके लिए याद है कितनी हाई तोबा करनी पड़ी थी B4 के लिए रात के टाइम, कहाँ से चढ़ा था, कहाँ निकला था और फिर कहाँ भागा था। एक बात है, इससे एक चीज़ आती है कि ना जो ये ITC वाली जो ऐप है ना, इस पर डिपेंड होके मत हो, क्योंकि वो लोग मैसेज करते हैं। देखो मैं डाल भी दूँगा, आपको दिख रहा हो P1 लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई थी वो ट्रेन, तो इसलिए वहाँ पे भी जाके एक बार देख लो स्टेटस की क्या चल रहा है ट्रेन का। तो बस यही है, वेट किया जा रहा है, अभी कॉफ़ी पिए और फिर उसका बैठते हैं, फिर उसके बाद उज्जैन, हर हर महादेव। यहाँ पर मैं भाई से बात कर रहा था, मध्य प्रदेश का पोहा स्पेशल क्यों होता है वो उसके बारे में बता रहे थे, पर माइक के प्रॉब्लम होने के कारण ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलिए आइए मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो जी अब मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है ठीक से, और खाया जा रहा है पोहा। बता दो पोहा कैसा है यहाँ का। पहली बार जो यहाँ का पोहा होता है ना, उसमें ना काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के वो भी मिलाई हुई है, मिक्सचर्स मिलाई हुई है, जो कि देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है और स्टफिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है। चलो आप खाते हैं पोहा। टेस्टी है काफ़ी, और क्रंची बहुत ज़्यादा है पोहा, मतलब बढ़िया है, और मात्र 20 रुपये में। नाइस, अच्छा है, ब्रेकफास्ट के लिए बढ़िया है। अगर आ रहे हो MP तो ये खाओ, और वैसे भी MP का सबसे फेमस फूड है ये ब्रेकफास्ट के लिए पोहा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अलग स्टफ में बना के दिया जाता है। तो मैं फाइनली ट्रेन से उतर चुका हूँ, और मुझे ट्रेन का नाम याद हो गया, इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो यह ट्रेन का नाम है। और ट्रेन का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई मुझे एक्सपीरियंस सही नहीं लगा। उसका रीज़न ये है कि मुझे पहुँचना था यहाँ पे 8:30 बजे, और ये ट्रेन पहुँची है देखिए, अगर दिख पा रहा आपको, 9:15 होने को हो गए हैं, मतलब लेट है ट्रेन। और ये ट्रेन कई बार कई जगह रुकी थी, तो इसलिए मुझे ट्रेन का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, पर ठीक है ट्रेन 5-10 मिनट ही लेट हुई है। हाँ, और अगर बात करें मतलब चीज़ों की, सुविधाओं की, तो सारी सुविधाएं मिली और काफ़ी ज़्यादा हाइजीन थी ट्रेन, तो आप रिकमेंड कर सकते हो इस ट्रेन को अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो। तो जी ऐसी ही एक दिमाग में प्रश्न आया कि आपसे पूछता हूँ, पहले तो वेलकम टू उज्जैन मध्य प्रदेश। तो
बताइए मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसको सही पता है मध्य प्रदेश की कैपिटल। हाँ जी, और जो अंकल से मैंने बात करी, जो मैं बोल रहा था कि मैं अंकल से बात करूँगा और पूछूँ अंकल जी से कहाँ कहाँ घूम सकते हैं उज्जैन में, तो उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है, देखते हैं क्या क्या देख पाऊँगा मैं आज के दिन। और यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब किया जा रहा है और अपना भी चैनल सब्सक्राइब कराया जा रहा है। हेलो, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हिमानी हिमांशु लाइफस्टाइल। और हम भी उज्जैन आए हैं और भैया भी उज्जैन आए हैं। और ये इनका किड है, बोले हेलो। हेलो, ये भैया। ओके, तो जी अंकल जी मुझे रास्ते में मिले, जैसे कि मैं बोलता हूँ सोलो ट्रिप करते हैं, सफ़र में कोई ना कोई नया बंदा मिलता रहता है और कारवा बनता चले जाता है। जी आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अरे आंटी अंदर भी बैठे हुए हमारे गुरु जी। अच्छा, तो जी अब चलते हैं हम बाहर। बाय अंकल। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं कैसा लग रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा जैसा देश वैसा भेस। तो अब सबसे पहले हम जा रहे हैं, जो कि जिसके लिए मैंने कपड़े पहने हैं, ये महाकाल टेंपल। तो चलिए आइए, लेते हैं यहाँ से ऑटो या ई रिक्शा और वहाँ से चलते हैं महाकाल टेंपल। यहाँ से कुछ दिखा रहा है 3 किलोमीटर दूर है बस गूगल मैप पर। तो चलिए आइए। चल रहे हैं अपना सफर करने के लिए। अंकल जी हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो अंकल जी मुझे लेके चल रहे हैं महाकाल टेंपल के पास, जो बैरियर है वहाँ तक छोड़ेंगे अंकल जी मुझे। प्राइस जो है वो आपको मेंशन हो रहा होगा कितने का लगेंगे। और चलिए यहाँ से बस। अंकल जी कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। हाँ जी, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस खाली। और फिर उसके बाद जैसे कि अगर गूगल मैप दिखा रहा है तो वो वॉकिंग डिस्टेंस होगा ना, तो वो उसको भी काउंट कर रहा होगा मेरे ख्याल से। तो 1.5 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, वहाँ 10 मिनट लगेंगे। और पूरा अभी तो सड़कें वगैरह जो है वो खाली ही है। तो जी दोस्तों अब मैं घूम रहा हूँ उज्जैन की स्ट्रीट में, ये आप देख पा रहे हो चारों ओर। और सही है, अभी तो क्राउड ठीक है, डिसेंट है, इतना नहीं है जितना लग रहा था। चलिए देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है महाकाल टेंपल में। बोलो हर हर महादेव। अभी मैं जा रहा हूँ प्रोटोकॉल काउंटर पे, यहाँ थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको ना अपने ब्लॉग के माध्यम से पूरा दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। जैसे आओ तो सबसे पहले जाना प्रोटोकॉल काउंटर पे, अगर आपको पर्ची लेनी है VIP वाली। VIP भी दो टाइप की होती है, एक होती है 250 वाली, एक होती है 750 वाली। मैं ले रहा हूँ 750 वाली क्योंकि उससे मैं गर्भगृह के अंदर भी जा सकता हूँ। 250 वाली में खाली आप बाहर से ही जय कर सकते हो। तो चलिए प्रोटोकॉल के वहाँ चलते हैं। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है क्योंकि वहाँ पे ना टाइम टू टाइम वो लाइन चलती है और पास मिलता है, बारकोड वाला होता है। देखते हैं, मैंने भी ये सब सुना है, अभी एक्सपीरियंस करूँगा तो आपको सब कुछ बता दूँगा A to Z। चलिए आइए।